अगर कुछ कर गुजरने की ठान ली जाए तो भगवान भी धरती पर आकर आपकी मदद करते हैं। सिंगरौली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब मवेशियों की प्यास बुझाने वाला तालाब सूख गया और हैंडपंप के पानी से तालाब को भर पाना असंभव की जगह संभव हो पाया। सिंगरौली जिले के चितरंगी निवासी मथुरा प्रसाद बैस ने असंभव काम को संभव कर दिखाया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गांव के प्राचीन तालाब की है। कुछ साल पहले तक हमेशा भरा रहने वाला दर्जनों गांव के मवेशियों की प्यास बुझाने वाला यह तालाब इस बार की गर्मी शुरू होते ही अप्रैल माह में ही सूख गया। यह परेशानी का सबब तब बना जब गर्मी का पारा 42 से 44 डिग्री तक पहुंचा और पानी के लिए मवेशी तड़पने लगे। मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए और इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए रामडीहा के मथुरा प्रसाद वैश्य ने एक जुगत लगाई। गांव के भागीरथी बन गए। गांव के पशुपालकों की गुहार पर उन्होंने अपने हैंडपंप में 1.5 इंच की मोटर से तालाब में पानी भरना शुरू किया। वे एक माह से रोज तालाब में 8 से 10 घंटे तक मोटर चलाकर पानी भर रहे थे। उनकी ये मेहनत और संकल्प करीब 8 एकड़ क्षेत्रफल वाले सूखे तालाब में अब पर्याप्त पानी भर गया है। इससे रामडीहा के साथ ठठरा, डिगवार, नेवारी सहित अन्य गांव के मवेशियों के लिए पानी की समस्या से राहत मिली है। वहीं ठठरा गांव के साथ ही आसपास के अन्य गांव के लोग भी मथुरा प्रसाद बैस के जुनून की काफी तारीफ कर रहे हैं, जो जिले में अब चर्चा का विषय बन गया है। तालाब में पहले से पानी नहीं था, इसमें 2 महीने पहले पानी इसमें नहीं था, इसलिए पशु जी आते हैं तो करके हम तालाब चले जाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, तालाब में पानी अगर रहेगा तो कहीं जाएंगे, तो हमने मोटर हम बोर में उसके बाद चालू कर दिए। इसमें 10 दिन तक तो पानी धीरे 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 बढ़ने लगा। इसके बाद सब पशु पक्षी पीने लगे और इसमें 2-4 गांव के भी पशु इसमें आने लगे। इसमें 4 फीट तक पानी खड़ा हो गया इसमें इस समय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।